हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू गार्डनिंग विद अश्वी। फ्रेंड्स, चुकंदर बीटरूट जिसको कहते हैं वो अभी रेडी हो गया है, तो मैं चलती हूँ, अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये चुकंदर काफ़ी मोटा हो गया है और ये देखें, ये फट रहा है। जब चुकंदर फटने लगे तो इसको उखाड़ लेना चाहिए, ज़मीन में से निकाल लेना चाहिए। तो चलते हैं, कुछ चुकंदर हम निकाल के देखते हैं। ये देखें, काफ़ी हैवी, काफ़ी काफ़ी मोटा है। देखें, मेरे पूरे हाथ में आ रहा है, माशाल्लाह बहुत मोटा है और बहुत ही अच्छा है। तो चलते हैं और भी निकाल लेते हैं, काफ़ी सारे हो गए हैं, मैंने तो देखा भी नहीं बहुत टाइम से। और बहुत से सारे अभी मेरे गार्डन में पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे इधर भी हैं, थोड़े से इधर भी हैं, और इधर देखें बहुत सारे हैं। अभी मैं दिखाती हूँ, कुछ इतने मोटे से हैं और ये देखें, ये चुकंदर है, ये ऐसे ऊपर से दिखता रहता है और ये नीचे से ज़मीन में लगा हुआ रहता है और ये मोटा हो जाता है। ये चुकंदर इतना हैवी, इतना बड़ा सा है, मेरा हाथ इतना बड़ा है उसमें आ जा रहा है, और तकरीबन ये 2 किलो से कम नहीं होगा। ये सिर्फ 4 चुकंदर, 4 नहीं है 5 हैं, तो 2 किलो से कम नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि चुकंदर को मैंने सिर्फ किनारों पे लगाया है, मैंने बीच में नहीं लगाया। बीच में धनिया मैंने लगाया हुआ था और लहसुन लगा हुआ है, और चुकंदर की सीडलिंग नवंबर में करें। और सीडलिंग करने के लिए पहले तो मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर दें, गुड़ाई करने के बाद उसमें पानी भर दें और मिट्टी के पकने का वेट करें, और जब मिट्टी पक जाए तो उसको भुरभुरी बारीक कर लें। और बारीक करने के बाद अगर आपको किनारे पे लगाना है, जो किनारा होता है ऐसे ऊंचा वाला एरिया, जैसे ये किनारे बनाते हैं, ये मैंने इसमें लगाया है, धनिया उगाई है, तो ये जो किनारा होता है, ऊंचा वाला एरिया होता है, इसको बीच में गहराई करें और ऊपर ऊपर से मिट्टी चढ़ा दें। और अगर आपको बीच में लगाना है, बीच में जैसे क्यारी के बीच में लगाना है, तो सीड्स को पूरा फैला दें, फैलाने के बाद उसके ऊपर से मिट्टी डाल दें। मैंने क्या किया था, चुकंदर को मैंने जब लगाया था तो मैंने उसके सीड्स को फैलाने के बाद मैंने उसके ऊपर से कंपोस्ट, जो घर की वेस्ट, किचन वेस्ट से मैंने कंपोस्ट तैयार किया था, उसको मैंने मिट्टी में मिक्स कर दिया था। करने के बाद मैंने सारे में फैला दिया था, तो उसके बाद फिर उसका रिज़ल्ट ये है। आपने चुकंदर देखा कितना हैवी है, कितना बड़े साइज़ का चुकंदर हो गया है। और जो भी सब्ज़ियाँ होती हैं, मैं उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करती हूँ। अगर मेरे पास कंपोस्ट है, जैसे कि काउडंग कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट, तो मैं उसको ऐड कर देती हूँ, मिट्टी में मिला देती हूँ, वरना मैं केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करती हूँ। तो वो जो चुकंदर होता है वो सही रहता है, सब्ज़ियाँ सही रहती हैं, उसको खाने में आपको कोई हार्म नहीं पहुँचेगा। जब भी मिट्टी आपको ड्राई दिखे तो आप पानी ऐड कर दें, तो बग़ैर कुछ किए चुकंदर माशाल्लाह बहुत ही हैवी अच्छा आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज 12 मार्च 2021 है और चुकंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। ये 5 महीने में रेडी होता है और इसकी सीडलिंग नवंबर में किया जाता है। नवंबर में कुछ की सीडलिंग मैंने की थी और कुछ सीडलिंग मैंने किया था दिसंबर में। इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा फैली हुई नहीं होती है, बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती है, थोड़ी थोड़ी सी दिख रही है और वही वो ज़मीन को पकड़े रहता है, और इसी से बीट रूट जो है मोटा होता चला जाता है। और ज़मीन अगर सख्त रहेगी तो जैसे नीचे वाला हिस्सा मुझसे टूट गया है वैसे ही टूट जाता है, अगर भुरभुरी रहेगी, उसमें नमी रहेगी, तो वो टूटेगा नहीं।
तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा और प्लीज़ पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।